बेबी मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया। हाथ दे रहा है। माना कैसी लगी मैं अच्छे दिख रही हूँ ना? ये बच्चे के अंदर चुड्डी क्या कर रही है पता नहीं। दिल ने जिसे हरदम आपको बोला था ना मैं बहुत अच्छी जगह में लेके जाऊंगा। ये लड़की बहुत बहादुर है यार। गई चढ़ गई भाई चढ़ गई। मैं नेपाल का फर्स्ट व्लॉगर हूँ जो हिंदी में व्लॉग बना रहा हूँ। सो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स मी राइडर जेविल। आई होप गाइज सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आई एम फ्रॉम काठमांडू नेपाल। मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ इसलिए मेरे हिंदी में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो गाइज आज मैं काठमांडू से थोड़ी दूर नगरकोट जा रहा हूँ। तो गाइज मैं हूँ अभी जड़ीबूटी में। इस जगह का नाम से जड़ीबूटी है ना, इसलिए मैं जड़ीबूटी हूँ। अब मैं जा रहा हूँ कोटेश्वर मैं साथी को पिक करने के लिए। उधर है मेरे साथी, वहाँ जाता हूँ पिक करता हूँ। तो हम लोग चार लोग जा रहे हैं, चार लोग जा रहे हैं दोनों बाइक में, तो दो जाना। तो बहुत अच्छे मौसम है इधर काठमांडू में। तो माइक कान होगा क्योंकि मैंने माइक नहीं जोड़ा है ना, गोप्रो को माइक से काम चला रहा हूँ इसलिए। तो जाम पड़ गएगा, जाम हो गया, जाम हो गया। बाटो छोड़ दो यार, ये ऑफिस टाइम है ना इसलिए बहुत बड़ा जाम हो गया इधर। हम निकल चुके इधर जाम से। का नाम भी गोप्रो का है बोल रहे। हमारा दोनों साथी किधर गए हमको भी मालूम नहीं है यार। कमर विनायक से थोड़ी आगे हमको अभी उधर जाना है वो जगह पे। अभी तक तो रास्ता बहुत अच्छे है। गाइस मेरे को हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं नेपाल से बिलोंग कर रहा हूँ और हिंदी में ब्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए ट्राई टू माई बेस्ट है गाइस। तो इसलिए आप लोगों को हिंदी नेपाल का अच्छा जगह दिखाऊँगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। आपका एक एक सब्सक्राइबर से मेरे बहुत बताएंगे। सो इसलिए मैं नेपाल का फर्स्ट ब्लॉगर हूँ जो हिंदी में ब्लॉग बना रहा हूँ। आपको भी पता है नेपाली में बना ले बहुत सारे ब्लॉगर है नेपाल में। वो लोग सब लोग नेपाली लैंग्वेज में बना चाहिए क्योंकि मैंने क्या सोचा गाइस नेपाली को तो इस जगह मालूम है लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है ना। आपको भी पता चल जाएगा नेपाल में कैसे कैसे जगह है। सो हम से जा रहे हैं ऊपर उधर हिली रीजन पे। सो वहाँ से बहुत अच्छे व्यू दिखेगा। इस लोग नहीं आया, हम एक दिन वेट करते हैं। हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है ना। देखिए बाज उड़ रहा है, चील उड़ रहा है उधर। देखिए ओ घर का चल्ला लेना है। इधर हमारा नेपाल में चिकन चल्ला बोलते हैं, आप लोग चिकन बोलेंगे। छोटा 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 चिकन लेने आया है वो। मेरे को इसने हिंदी सिखा रही है। ये देखो अच्छे से देखो गाइस, अच्छे से देखो। इधर आर्मी बैरिक हमारा दोनों साथी मिसिंग हो गए गाइस। अर्को बाटो चला गया, आए थे जल्दी आए थे। सो वो लोग तो अर्को बाटो लेके वहीं उस जगह में भेटूंगा बोल रहे। मैंने अभी कॉल किया था। सो देखिए गाइस कितना अच्छा लगा अभी आज से यूनिक कर रहा हूँ क्या गाइस, क्योंकि नेपाल में
कोई भी ब्लॉगर हिंदी लैंग्वेज में नहीं बनाता है कि हमारा नेपाल में गेमिंग चैनल है और गेमिंग चैनल बनाते हैं, लेकिन ब्लॉग कोई भी नहीं बनाता। इसलिए गाइस आप लोग का सब कुछ नेपाल का मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी घूमना आ सके, अच्छे लोग है, अच्छा अच्छा ठाव। तो मेरे ब्लॉग का मार्फत आपको सब मालूम हो जाएगा। इसलिए गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो बनता है यार, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। मेरा इस वीडियो में ए में 1K पुराने का 1K पूरेगा तो और भी बढ़ जाएगा मेरे को मालूम है। सो इधर हम अभी जा रहे हैं नगर कोट, तो ये काठमांडू से बहुत कुछ नज़दीक पड़ता है। काठमांडू वैली से मोर देन 20 किलोमीटर ये इधर रास्ता भी बहुत अच्छे है, देख सकते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे राइट, तो हम जाएंगे राइट, इधर से भी पुगेगा लेकिन हम इधर से जाएंगे, दोनों रास्ता है इधर। देखो कितना छोटा छोटा चिकन, यहाँ से हम इंटर करेंगे जंगल। सो गाइज रास्ता छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है यार। तो गाइज मैं आप लोगों को देखूँगा यहाँ से काठमांडू का व्यू कैसा दिखता है। देखिए उधर हम आए, उधर से मैं देख रहा हूँ आई एम नियर इन नगरकोट। यहाँ से ऊपर जाते हैं हम लोग, दोनों रास्ता है उधर, सांगा बोलते हैं इधर, सांगा से भी आ जाएगा और भक्तपुर से भी आ जाएगा। अब तो गूगल देखोगे तो मालूम पड़ेगा, और मेरे को भी संपर्क करो, मैं लेके आऊँगा गाइस, मैं बनूँगा आप लोग का गूगल। सो गाइस देख सकते हो हम आए हैं इधर से, हम आए इधर से, ये भक्तपुर है काठमांडू, यहाँ से भी ऊपर है। हाँ नेपाल में भक्तपुर ललितपुर काठमांडू मिलके वैली बनता है, सिटी बनता है ना, क्या बनता है, बनता है। सो मैंने बोले को आप लोगों को फनी लग रहा है, मेरे को पता है लेकिन बहुत अच्छा फिर भी मैं बोलूँगा गाइस आप लोगों के लिए, दिखाऊंगा नेपाल में कैसे कैसे जगह है, बहुत अच्छा अच्छा जगह दिखाऊँगा। आप लोग आइए घूमिए, नेपाल को पर्यटन में विकास करिए। सो तो सब लोग घूम के आ रहे हैं लेकिन हम तो दिन भर ही घूमेंगे गाइस, शाम पे चलेंगे। थोड़ा थोड़ा भाई बाटो अच्छा नहीं है तो इसको बोलते हैं ऑल्टो, यहाँ से आप ऑल्टो की आप बुकिंग करके भी आ सकते हैं इधर नगरकोट। सो गाइस देखिए इधर से और बहुत अच्छा अच्छा व्यू दिखेगा, यहाँ से दिखाएंगे आप लोगों का व्यू। यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है। ध्यान से देखो इस लड़की को, ध्यान से देखो इस चेहरे को, इस चेहरे को ये बहुत भयानक है। तो गाइस हमारे साथी ने लापता हो गया इसलिए हम कॉल कर रहे हैं। हेलो पूछ है क्या तुम्हारो। सो गाइस हम खा रहे हैं चाय, देख सकते हो आप लोग, मैं अभी नगरकोट में हूँ। देखो इस जगह ध्यान से देखो इस लड़की को, मैं अच्छे दिख रही हूँ ना। सो हम जा रहे हैं ऊपर, ओ यार सो हम जा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं ढाबा बोलते हैं ना इसको, पैसा दिखा रहे हैं। देखिए इधर ये बनता है ना हमारा नेपाल में समोसा सेल, और हमने उधर पार्क किया है। जैसे गाइस हम जा रहे हैं ऊपर व्यू टावर हेरने के लिए। सो गाइस हम अभी है नगरकोट में, फॉरेनर भी आ रहे हैं इधर, यहाँ है नरीगोल नरीखेल, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में मेरे को भी पता नहीं है। सो गाइस देखो ये व्यू टावर पॉइंट है इधर। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग भी उधर हिमालय देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, देखिए दिख जाएगा नहीं मेरे को पता नहीं, क्योंकि इधर बहुत धूप है ना इसलिए। देखो
हिमालयन दिख रहे हैं क्या इधर। इस हिमाल का नाम है गणेश हिमाल और जुगल हिमाल। ये नेपाल का, नेपाल में तो पूरी जगह से हिमाल दिखता है ना, यहाँ से चढ़ते इधर वो व्यू टावर में। सो गाइस ये लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, इस लड़के चढ़ने ही नहीं सके इसलिए नीचे आ रही है। आओ आओ तुम नहीं चढ़ सकते। ये लड़की बहुत बहादुर है यार, चढ़ गई भाई चढ़ गई। तुम जाओ 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 जाओ। सो गाइस फाइनली हम नीचे से ऊपर आए और आपको दिखाता हूँ मैं काठमांडू और हिमालय का व्यू। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, वाह। इधर हिमालय और ये लड़की उछल कूद रही है। हम इधर से आए, ये जगह से इधर आए ना, देखो इधर पड़ता है काठमांडू वैली। वो छोपरा है ना अभी, तुम क्या बोलते हैं उसको, फॉग बोलते हैं ना इसलिए। हम ये काठमांडू का सबसे ऊंचे जगह पे अभी, क्यों देखो गाइस देखो कितने अच्छी जगह है ना। आपको बोला था ना मैं बहुत अच्छी जगह में लेके जाऊंगा। देखो यार इधर भी पहाड़ है, इधर हिमालय और इधर भी, और इधर है सिटी। नीचे भी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस बहुत दिक्कत हो रही है उसको नीचे आने की। सो गाइस एरिया जी पिकनिक के लिए, आप लोग पिकनिक समझते हैं ना। मेरे हिंदी थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी हो रही है क्योंकि मैं लगातार हिंदी में बोल रहा हूँ ना इसलिए। सो गाइस इधर है नारिकल गाइस, ये मूंगफली, ये नारिकल, ये भी नारिकल है लेकिन चट्टा नारिकल बोलते हैं इधर। दिस इज पाइनएप्पल। बच्चे खेल रहे हैं इधर, ये बच्चे के अंदर सुड्डी क्या कर रही है पता नहीं पता नहीं क्या कर रही है। सो गाइस हम नीचे जा रहे हैं इधर घूम के, ध्यान से देखो इस लड़की को। ये फिसल रही है थोड़ा थोड़ा सा। हमको नेपाली में इसको चिपलेटी बोलते है और हिंदी में क्या बोलते है मेरे को मालूम नहीं है। सो इधर साइकिलिंग करके भी आएंगे लोग, देख लो ये साइकिलिंग करके आए थे सुबह, अभी वो लौट रहे है। सेल एग छोले और आलू, ये प्याज है, सब कुछ पाएगा इधर। सो गाइस हो रहा है पैक, मिक्स हो रहा है प्याज, ये भी लिया है मैंने। हम जा रहे हैं नीचे कैंपिंग करने के लिए। सो गाइस ये लोग कैंपिंग कर रहे हैं इधर, इधर तो पिकनिक आते हैं कैंपिंग आते हैं। हम भी, हम अभी खा रहे हैं खाजा, तो बोलते हैं अचार, अरे ये मिक्स बोलते हैं इसको, पता नहीं है, चने और चौचौ और बहुत अच्छे अच्छे ये। बेबी कितने दिन लाओगे बना, अम्मा बेबी दीदी कहाँ गया गाइस, इसका बॉयफ्रेंड है इधर, ये सुन सुन इसका एक्स है, एक्स है ना तुम्हारा, एक्स बेबी तुम्हें बताओ ना बेबी, राज बेबी बताओ बेबी, मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया। हाँ हाथ दे रहा है गाइस, ये इसका एक्स है, देखो ध्यान से देखो इस लड़की को, तुम ये हाथ दो, कुकुर भी नहीं छोड़ रही है मेरे बेबी, तो कुकुर को भी नहीं छोड़ रही है गाइस, देखो इस ध्यान से इस लड़की को, वो ये लड़का है बेबी, वो लड़का है, इसको गुस्सा आ रहा है बेबी, वो लड़का है, तुमने गुस्सा दिलाया ना इसको बेबी, वो लड़का है, लड़की को पसंद नहीं करते बेबी, बेबी लड़की को पसंद नहीं करते। अच्छा रुनी, तो गाइस हम लौट रहे हैं इधर से, यहाँ से आगे आएंगे एक्स, तुम्हारा एक्स आ रहा है इधर, नहीं तू तुम्हारा मिति नहीं है, तो यहाँ हो रहे टिकटॉक,
मेकिंग गाइस लुक एट दिस व्यू, बहुत अच्छा लगा है ना आपको, पसंद आया या नहीं आया मेरे को कमेंट करके बताना। काठमांडू वैली की इधर साइड है, इस साइड और हम जा रहे हैं नगरकोट बस पर है ना, इधर काठमांडू इधर उसकी नेपाल से बोल रहे हैं हम कूद रहे हैं डील में, डील में डांडा डांडा बोलते हैं ना ऊँचे को, ऊँचे जगह को, ऊँची जगह को डांडा बोलते हैं। सो गाइस लुक एट दिस नगरकोट बाजार, इसको बोलते हैं नगरकोट मेन बाज़ार बोलते हैं इधर, जब गाड़ी भी आएगा और हम जाएंगे उस वाले रास्ते से। सो गाइज हम जा रहे हैं उधर, उधर से बहुत अच्छा व्यू दिखता है ना, लुक एट दिस गाइज नगरकोट विलेज। देखो गाइज इधर भी मैं हूँ बीच वाले ऊपर जगह पे, क्योंकि इधर से भी नीचे खाई दिखता है और ये हो गए नगरकोट का बाजार, वो लोग भी आ रहे और इधर है काठमांडू वैली। यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है। तुम्हें प्यार कब तक हम करें। सो लुक एट दिस गाइस, आप लोग ये देख रहे हैं इधर, देखो इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, सब पहाड़ है यार, नेपाल तो पहाड़ के पहाड़ी जगह है ना, इसलिए ऐसे ऐसा नज़ारा देखना देख पाओगे। इसलिए गाइज डोंट फॉरगेट टू के गाइज सब्सक्राइब। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। इतना देर तक आपने देखा, धन्यवाद। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में भेटूँगा, बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।